ऐसा दर्द हाँ तू जो बुला न पाए, कैसे किया है सबर मैंने ये तू ना जान पाए। हम दोनों के दर में आई जमाना ही आ क्यों जाए। I just need one more shot and forgiveness. Yeah. तेरे बाद जो जीना एक पल भी नहीं, मेरी जा सा तेरी बाह चलेना आखरे। Oh, तेरे बाद जो जीना एक पल भी नहीं। ने उनके ऑफिशियल ट्विटर पे कल एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट में उन्होंने एक ब्रांड न्यू मोड का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसको हम कह सकते हैं जंगल एडवेंचर मोड या फिर कह लीजिए द मिस्टीरियस जंगल मोड। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग उसी मोड के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस मोड के कुछ गेम प्ले और उसके साथ ही मैं आपको इस मोड के ऑफिशियल लॉन्च के बारे में भी बोलने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में आखिर तक। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस पहले तो मैं आपको इस ब्रांड न्यू मोड के कुछ गेम प्ले दिखा देता हूँ और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके ऑफिशियल लॉन्च डेट के बारे में। सो गाइस ये जो नया मोड होने वाला है जिसका नाम है जंगल एडवेंचर, सो गाइस ये हमें आर्केड में या फिर प्ले लैब में देखने को नहीं मिलेगा, ये हमें देखने को मिल जाएगा क्लासिक में ही। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि पहले एरेंगल मैप में कुछ इवेंट्स आ चुके हैं, जैसे कि विंटर मोड या फिर हेलोइन मोड, जैसे कि अभी भी आता है डे नाइट मोड। उसी तरह से ये रेंडमली आपको शेनहॉक मैप में किसी भी मैच में देखने को मिल सकता है। सो गाइस इसमें आपको बहुत सारे लोकेशंस मिल जाएंगे, जिन लोकेशंस में आपको जैसे आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे उन लोकेशंस में आपको जो हमारा हॉट एयर बैलून होता है वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं मैं अभी लैंड कर चुका हूँ अपने जो हॉट एयर बैलून के पास, मैं आपको इसमें चढ़ के भी दिखा देता हूँ। सो गाइस इस आप लोग जैसे मैप में लोकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो येल्लो डॉट्स देखने को मिल रहे वो है, वो होने वाला है आपका हॉट एयर बैलून का लोकेशन। फिर गाइस इसमें आपको हॉट एयर बैलून के अंदर ही आपको कुछ लूट मिल जाएंगे, जिसमें से एक दो गन भी आपको मिल जाएंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं मुझे यहाँ पे UMP और UZI मिल चुका है। तो गाइस मैं अभी आपको इस हॉट एयर बैलून को चला कर भी दिखा देता हूँ। तो गाइस इसके चलाने के लिए सिंपली आपको इस कंट्रोल बटन पे क्लिक करना है और आपके सामने इसका कंट्रोल खुल चुकेंगे। सो गाइस फिर आपको यहाँ पे जो आपका बटन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली उस बटन पे क्लिक करके आपको इस हॉट एयर बैलून को लेके ऊपर चले जाना है। सो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं मैं ऊपर जा रहा हूँ इस हॉट एयर बैलून में। आपको सिंपली इस आप तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको जब भी आप ऊपर जाएंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक ही जूम आउट हो जाएगा। सो गाइस आप लोग जैसे देख सकते हैं मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, ये मैं एकदम हाईएस्ट ऊपर जा चुका हूँ, इससे ऊपर आप लोग नहीं जा सकते। फिर आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक बटन देखने को मिल जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं जूम करके एक बटन देखने को मिल जाएगा, आप लोग सिंपली इसे क्लिक करके इसको आप जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इमोज देखने के मिल जाएंगे, इसके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके देखिए तो यहाँ पे इमोट का एक आइकन बना हुआ मिल चुका है आपको, सिंपली आपको उस इमोट पे क्लिक करना है और ये इमोट करने लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं इस इमोट से लग रहा है कि ये बंदों को ढूंढ रहा है ऊपर से इस इमोट के जरिए। सो गाइस ये इमोट ऐसे ही दिया गया है, मुझे पता नहीं इसका क्या यूज है एग्जैक्टली, इसे तो हम देख नहीं सकते, इससे तो हम नॉर्मली ही अच्छी तरह से देख पाते हैं। तो गाइस उसके बाद जो नया लोकेशन ऐड किया जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं ये आदिवासियों का मंदिर ऐसा लग रहा है मुझको। सो गाइस इसमें आप लोग जाके इसमें आप लोग पूजा भी कर सकते हैं और पूजा करने पर आपको कुछ यहाँ से रिवार्ड्स यानी कि आइटम्स मिल जाएंगे, लूट वगैरह मिल जाएंगे। सो गाइस इसके मैं आपको अंदर जाके दिखा देता हूँ, जब भी आप इसके सामने जाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक डांस का बटन मिल जाएगा, मेरा भी नहीं आया, आप लोग जब भी आगे जाएंगे। सो गाइस मैं आपको आगे जाके दिखा देता हूँ। तो गाइस आगे जा रहा हूँ मैं, आगे जाने के बाद आपके सामने एक ऐसे डांस करके एक बटन मिल जाएगा, आपको सिंपली डांस बटन पे क्लिक करना है और ये एक डांस करने लगेगा आदिवासियों का डांस। सो गाइस जैसे आप देख सकते हैं ये बहुत ही मजेदार डांस कर रहा है। सो गाइस उसके बाद आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे साइड में जो मूर्तिज बने हुए हैं, आप लोग इन मूर्तियों के पास जाकर अगर यहाँ पे आप लोग प्रे करेंगे तो आपको ये कुछ मतलब आइटम्स यानी कि लूज भी दे देंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा इन्वॉक करके, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और ये आपके सामने पूजा करने लगेगा। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवार्ड भी मिल जाएगा, मेरा एक दो जो फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इससे आपको क्लिक करना है और आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको
कुछ इस तरह का ये इमोट करने लगेगा और आपको यहाँ से लूट मिल जाएगा। मेरा ये लूट नहीं मिला क्योंकि मेरा इमोट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे देख सकते ये बहुत ही देखने में कूल और अट्रैक्टिव लग रहा है। ये आपको कहीं बहुत सारे लोकेशन पे मिल जाएंगे। ये लोकेशन हम जो अभी है ये है थान करके जो सैनॉक में आपको देखने को मिलेगा। ये जो जंगल एडवेंचर होने वाला है ये आपको सिर्फ सैनॉक मैप में ही देखने को मिलेगा और आपको दूसरे मैप में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जो आइटम ऐड कर जाएगा उसके देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ जंगल फूड देखने को मिलेंगे जो आपको एनिमीज को किल करते हुए मिलेंगे। ये आपको कहीं पर लूट की तरह नहीं मिलेगा। ये आपको जब एनिमी जब आपको आप लोग जब किसी एनिमी को किल करेंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा जंगल फूड। सो गाइस ये जंगल फूड का जो यूज होने वाला है मैं आपको इसका यूज बता देता हूँ। इस जंगल फूड के खाने से आप लोगों का जो एनर्जी होगा पेन किलर और एनर्जी ड्रिंक की तरह उसी तरह से बढ़ जाएगा और आपको यहाँ पे बहुत सारे कुछ मतलब आप लोगों को पावर्स भी मिल जाएंगे हैकर्स की तरह। सो गाइस गेम प्ले के एंड में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो जंगल फूड है इसको खाने से आपको हैकर्स की तरह कुछ पावर मिल जाएंगे। सो गाइस ये पावर कौन से होने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस ये पावर जो होने वाला है ये आपको रेंडमली मिलेंगे, यानी कि आप जब भी ये जंगल फूड खाएंगे तो आपको मिनी मैप में दिख जाएगा कि अगला एयर ड्रॉप कहाँ गिरने वाला है, फिर उसके पहले वाला एयर ड्रॉप कहाँ गिरा था। उसके साथ ही आपको जैसे आप लोग जानते होंगे कि हमारे आसपास अगर कोई फायरिंग करता है तो हमें मिनी मैप में उसका डायरेक्शन दिख जाता है कुछ ऐसे लाल मार्क की तरह। लेकिन गाइस ये जंगल फूड खाने से आपको उसके डायरेक्शन के साथ वो आपसे कितने मीटर दूरी पे है ये भी पता लग जाएगा। सो गाइस ये तो था ब्रांड न्यू मोड द जंगल एडवेंचर या फिर कह लीजिए द मिस्टीरियस जंगल के कुछ डिटेल्स। तो चलिए मैं आपको ये बोल लेता हूँ कि ये मोड आपको कब तक देखने को मिलेगा पबजी मोबाइल के ग्लोबल वर्जन में। सो गाइस ये मोड आपको 1 जून तक देखने को मिल जाएगा, यानी कि 1 जून से आप लोग पबजी मोबाइल के ग्लोबल वर्जन में इसको खेल पाएंगे। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो आज के लिए गुड बाय। नाम लोंडा अमीर घर का घुमा हो गलियों में बातें में सड़क की लिखता करता वो करता जो मुझे थोड़ा अजीब लगता बिन वजह की तकलीफें हर वक्त सहता क्यों परंपरा नहीं है फिर हूँ मैं संस्कारी सड़क पर एक ऐसी का मैंने पढ़ू तुझ पे भारी बहुत भारी मेरा काम भारी तू खा ले जानकारी यारों रख के सिग्नल पे सोता हूँ ले ले जानकारी हाँ ना गली से ना